अबे तक किसानन का खाद में मिलवे की समस्या सामने आ रही थी, अब एक नया मामला सामने आया है जहां फसल बीमा के नाम पे किसानन के संगे छलावा करो जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में हलदर किसान यूनियन ने अन्नदातान का फसल बीमा को लाभ न मिलवे पे नाराजगी जाहिर करी है। इस दौरान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार समेत तमाम किसानन ने फसल बीमा के नाम पे छलावा करे जावे के आरोप लगाए हैं। हलदर किसान यूनियन के बैनर तले करे गए प्रदर्शन के दौरान एक सैकड़ा से अधिक किसानन ने डीएम से मुलाकात कर फसल बीमा कंपनी पे जांच बिठाए जावे की मांग करी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने फसल बीमा कंपनी के खिलाफ खासा रोष जाहिर करत वे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जम के हल्ला बोलो है। जनक सिंह की माने तो तकरीबन 150,000 किसानन से फसल बीमा की धनराशि वसूली जा चुकी है, बावजूद के ई योजना को लाभ अन्नदातान का नहीं दौ गौ है। एक ही संगे ही जनक सिंह ने प्रशासन से बीमा कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करे जावे पर जनपद में काबिज अफसरन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि एक सैकड़ा से अधिक किसान और कार्यकर्तन का संगे लेके डीएम कार्यालय पहुंचे हलदर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने फसल बीमा के नाम पर अन्नदातान के संगे छलावा करे जावे के आरोप लगाए हैं। एक संगे तमाम किसानों की मौजूदगी में जम के प्रदर्शन करोगे, जिसके बाद जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने डीएम मनोज कुमार का ज्ञापन सौंप के बीमा कंपनी पे किसानन के संगे धोखाधड़ी करे जावे के आरोप लगाए हैं। जनक सिंह की माने तो फसल बीमा के नाम पे किसानन की जेब काटी जा रही है, जिको लाभ अन्नदातान का ना दे के बीमा कंपनी द्वारा लौ जा रहा है। आंकलन की माने तो जनपद में अबे भी 150,000 किसानन का फसल बीमा को लाभ नहीं दौ गौ है, जबकि फसल बीमा की धनराशि उनके खाते में बहुत पहले ही काटी जा चुकी है। जनपद महोबा को किसान देवी आपदा के चलत पहले से ही खासा परेशान है, उसके बावजूद भी किसानन का फसल बीमा को लाभ नहीं दौ जा रहा है। इस दौरान हलदर किसान यूनियन ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करत वे आगामी भविष्य में जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्ञापन देना दिया जाना था, वो हमने दिया है। क्षेत्रीय मांगे हैं हमारी चार, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का घोटाला होने वाला है या जो हो चुका है उसकी जांच कराएंगे और समस्त सम्मानित किसान बंधुओं को उस बीमा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हमारे महोबा जनपद में जो आंकड़े हमने निकाले हैं वो 1.5 लाख पहुँच रहे हैं। 1.5 लाख किसानों का बीमा कराया गया है, जैसे इंदिरा गांधी शासन काल में नसबंदी कराई गई थी जबरदस्ती, उसी तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जब किसानों का बीमा कराया है कंपनी ने, जबरदस्ती कराया शासन की योजना, तो भैया दियो ना अब शासन की योजना। अब क्या घर धर के रह गए? अगर अधिकारियों ने कमीशन खा लिया हो तो भैया वो निकाले बाहर, और नेताओं ने खा लिया तो वो निकाले बाहर। अन्नदाता की स्थिति मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 15 दिन का समय दे रहा हूँ जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, 15 दिवस में अगर कार्रवाई नहीं होती है, हमारे किसानों का बीमा नहीं मिलता है, तो इसी चौखट्टे पे फरस डाल के डीएम साहब के समक्ष बैठूंगा आमरण अनशन पर। ये चैलेंज है मेरा और ये चुनौती है जिला प्रशासन। जो बीमा होता है फसलों का, उस फसलों के संबंध में उनके दावे होते हैं, उस दावों के संबंध में कहा गया कि कंपनी जो है वो निराधार रूप से जो है दावों को खारिज कर रही है। तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में ज्ञापन दिया गया था, जो आज ही प्रेषित किया जाएगा, और जहाँ तक जिला स्तर पर संबंध है, इस संबंध में कंपनी की मीटिंग बुलाकर उसमें निमंत्रण कार्रवाई की। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।